हाँ जी, राम राम जी। सभी को कैसे हो? सारे होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। गए जय श्री राम। सुबह के 8:30 हो रहे हैं, काफ़ी सारा काम करके आ रहे हैं। काफ़ी देर की दिन की स्टार्टिंग होगी मेरी, बहुत पहले की, लगभग 6-7 बजे की। और या अभी मिलते हैं, थोड़ा सा फ्रेश अप हो लें, मतलब नहा वाले मंदिर चलते, टाइम मिलेंगे। काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं अभी, जस्ट काम करके कैमरा उठा ही रहे हैं। जैसे ही सोचा मैंने कि एडिटिंग स्टार्ट करूँ, वैसे ही लाइट चली गई सुबह सुबह ही। चलो कोई ना, अभी आ जाएगी तो कर लेंगे। मैं लिटरली रात के 2 बजे मैं ये निकाल के पी रहा हूँ। कल का लाया हूँ, मेरे को काफ़ी पसंद आ गया है। अभी नहाया नहीं हूँ, तब तक यही मार लेता हूँ, अभी नहा लूँगा। टाइम 12:18 हो रहा है और अभी जाके मैं नहाया हूँ। कपड़ा पहनते हैं और फिर मैं आपको पूरी स्टोरी शेयर करता हूँ कि क्यों मैंने कार कैंसिल कराई। इन 3, 2, 1। हाँ जी, नहावा के रेडी हो चुका हूँ। बारिश हो रही है, पहले इधर देख लो, ड्रिजलिंग हो रही है, बूंदे गिर रही हैं छोटी छोटी। वो सब छोड़ो, साइड हटाओ, मैं डिटेल में बताता हूँ कि मैंने कार कैंसिल क्यों करा। यहाँ पे रहने वाले 2 लोग हैं, मैं और मम्मी। यूज़ करने के लिए अगर मेरे को गाड़ी चाहिए होती है तो बस इतना ही यूज़ है, यहाँ से घर और घर से यहाँ। कभी गोरखपुर जाना होता है तो अमित अंकल हैं या काफ़ी सारे थाने में लोग हैं, उनकी गाड़ी मैं यूज़ कर लेता हूँ। मैं पंच इसलिए ले रहा था जस्ट बिकॉज़ कि मैं, मतलब यहाँ पर पर्सनली मेरे लिए गाड़ी हो जाए, मम्मी को मेरे को चलने के लिए पर्सनली गाड़ी हो जाए। सो पंच मुझे पड़ रही थी समवेयर अराउंड 10.5 लाख से अबव, 11 लाख मान के चलो, 11 लाख को मेरी पंच पड़ रही थी। और आपको पता है कि मेरे को पापा वाली जॉब ऑफर हुई है, जिसकी ज्वाइनिंग 2023 में है, नेक्स्ट ईयर मेरी ज्वाइनिंग है। जब मैं ज्वाइनिंग में चला जाऊँगा तो कोई यूज़ करने वाला रहेगा नहीं, मतलब गाड़ी वैसे ही खड़ी रहेगी 6 महीने साल भर की जो भी ट्रेनिंग चलेगी। हालाँकि मेरे द्वार पर गाड़ी नहीं पहुँच पाती है, तो प्रॉपर शेल्टर नहीं है गाड़ी के रखने का, तो गाड़ी वैसे ही खड़ी रहेगी। ऑलरेडी मेरी 1-2 गाड़ियाँ वैसे ही बाहर किसी और के द्वार पर खड़ी रहती हैं। मामा के यहाँ भी जगह नहीं है, उनकी खुद गाड़ी धूप में खड़ी रहती है, सो रखने के स्पेस नहीं है। अगर नई गाड़ी, अगर धूप में 11 लाख रुपए आप लगा के खड़ी कर रहे हो, अगर बेचने जाओगे तो टाटा की गाड़ी का रीसेल वैल्यू नहीं होता है। तो यही बात है कि अगर आप पैसा लगाओगे और आपका पैसा 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए अगर डूब जाते हैं, मतलब आप लोन भर रहे हो, मतलब ऐसे पैसे हर महीने आप वेस्ट कर रहे हो, 11,000 12,000 15,000 के मैं लोन ले, मतलब हर महीने मेरे लोन में कट रहे हैं, तो टोटल पैसा वेस्ट हो रहा है। गाड़ी को रखने का प्रॉपर शेल्टर रहता है मेरे वाले घर पे, वहाँ तक तो गाड़ी पहुँच ही नहीं पाती है, तो मैं बिना सोचे गाड़ी ले लेता। मम्मी बैठा के मेरे को समझाएं कि बाबू गाड़ी ले रहे हो, ठीक है, नो डाउट, अच्छी बात है, गाड़ी लो, बट रखोगे कहाँ? शादी करके दुल्हन लाओगे, रखने उसको रहने के लिए घर तो चाहिए। तो वही सीन था कि गाड़ी ले लूँ लेकिन रखने का कोई स्पेस नहीं था, मतलब द्वार पे पहुंच नहीं रही थी गाड़ी। हालांकि जब मैं घर बनवा लूँगा रोड पे, मतलब जो मेरी रोड वाली ज़मीन है, फिर वहाँ पे तो गाड़ी पहुंच सकती है। पहले इस वाले घर पे भी गाड़ी पहुंच जाती थी, मुझे याद है 2007-08 में जब मेरी बुआ की शादी हुई थी, तब तक मेरे घर पे गाड़ियाँ पहुँच जाती थी, पापा जी लेके आया करते थे, मुझे अभी भी याद है। बट अब लोगों ने रास्ता बंद कर दिया, इसलिए गाड़ी नहीं आ पाती है। खैर, अब जो गाड़ी आएगी वो तो पंच तो बिल्कुल नहीं आएगी, पंच से बड़ी गाड़ी लाऊंगा, क्योंकि भाई अगर वेट करके ही लेना है, ट्रेनिंग के बाद ही लेना है, तो भाई बड़ी गाड़ी, तब तो कुछ पैसे भी जोड़ लूँगा और बड़ी गाड़ी ही आएगी। यही सब रीज़न थे कि मैं गाड़ी नहीं ले रहा हूँ। आप लोग बताना क्या ये मेरा डिसीजन गलत है या सही है, कमेंट के थ्रू मुझे आप कनेक्ट करो, मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, ये चीज़ प्लीज़ मुझे बताओ आप। जब तक मैं ये सब चीज़ें आपको बता रहा हूँ, तब तक देखो बारिश के साथ साथ धूप भी आ गई, धूप भी है, बारिश भी हो रही है। तो अगर आपको, मेरे यहाँ कहा जाता था, मतलब मैं जब छोटा था, तो जो क्या कहते हैं वुल्फ होते हैं उनकी शादी में, वुल्फ नहीं, फॉक्स की शादी हो रही होती थी, ये सब चीज़ होता है, सब मिथ था बचपन वाला। अभी कस्बे वाली लाइट है, कनेक्शन है कस्बे वाली लाइट का, तो देख लो घर में लाइट भी नहीं है। सो ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ रही है जब कस्बे वाली लाइट रह रही है। तो मुझे स्कूल जाना था लेकिन जाऊँगा नहीं। हाँ यार, खोल दूंगा यार, चप्पल पहन के घर में घुस कर जाओ, सूंघ लेती हैं। चलते हैं, थोड़ा सा लाइट तो है ही नहीं, आने का नाम भी नहीं ले रही है। तुम्हारे घर के साइड लाइट ही है इसका? हमारा एक ही फेस है, एक ही ट्रांसफार्मर पे है, जब इसका नहीं है तो हमारा नहीं है, हमारा नहीं है तो इसका नहीं है। चलो, लाइट की बड़ी शिकायत कर रहा था। वैसे 4 ट्रैक्टर और 4 ट्रॉली पकड़ के आई है मिट्टी के साथ, अवैध खनन वाला। चलो डीडी के पास चल जाए, लेट्स गो। आ गई लाइट यार, यार हम लोग दम मर गया। चलो, टाइम जो है 2:44 हो रहा है, सो फार सो वेरी गुड। इसके यहाँ आए हैं तो देखो ये कहाँ है, ये खोपचे में क्या कर रहा है ब्रो? हाँ नहीं, आज हम अकेले आए हैं।
आदि कह रहे थे दीनदयाल क्यार नहीं देता, इसलिए मैं नहीं आऊँगा। अच्छा। चलो अभी चलते हैं, बड़ा कहाँ चलते हैं, कौड़ी राम कोल्ड कॉफ़ी पीने। दीनदयाल चलो मिजराम वो पिया जाएगा। हाँ यादी भाई, ये देखो फाइनली मेरे में BGMI आ चुका है, अब तुम्हारा भाई वापस BGMI खेलेगा। आठ तेरी बवाल, सुपर सो वेरी गुड। 10 मिनट खेला हूँ पबजी, अनइंस्टॉल कर दिया जस्ट बिकॉज कि भाई टाइम वेस्ट है, 25 रुपये का नुकसान हो गया मुझे। भाई इसको लगाओ या चलाया जाए, लाओ चाबी। भाई मेरी गाड़ी नहीं है, मेरे पास चाबी नहीं है। पास ये है, वो है, ये है, यही लगा के रखे हो, ये है वो है, क्या है मतलब? इसकी चाबी लाने है, बड़ा मन कर रहा है, हमें शादीशुदा आदमी लोगों के लिए है ये। उसको दे दो भाई चलाने के लिए, परेशान है हमारे पंचाओ। जाओ कहना ना कि विष्णु बुक कराया था ना, हमें दे थोड़ा सा, दे हम सीख के वापस कर। नहीं भाई सुपर बाइक पे बैठ के भुजा खाना है, नाक से कौन खाता है भुजा बे? Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday, something's going wrong with all the chemicals up in my brain. भाई साहब ये यूको बैंक पहले था, कैसा हो गया? चलो एक ही गाड़ी में क्या से क्या हो गया, ये पूरा धूल उठा के बॉडी में फेंक दे रही है गाड़ी। भाई अपनी लाइफ का पहला सिम अपने नाम पे ले रहा हूँ, एलिजिबल हो गया, सो वेरी गुड। इतना क्विक था कि मेरे को ये एक्टिवेट होके मिल गया, मतलब एक्टिवेटेड है भैया पूरा, अब डायरेक्ट यूज़ करूँ। चलो जय श्री राम, राम का नाम। सिम की अनबॉक्सिंग पहली बार हो रही है, बड़ा वीयर टाइप से। पहले बार सिम कटवाना पड़ता था याद है? हाँ। अब कटा कटा है वो, पहले कंपनी देती है जितना छोड़ा चाहिए उतना छोड़ा इस्तेमाल करो। फिर भौकाल था ऊपर में, इतनी चुकी सिम लगता है, इतनी चुकी। भाई चेक करते हैं, एक में तो नेटवर्क आ गया, दूसरा चेक करते हैं। तो यार फाइनली अपने लाइफ का पहला सिम जो मेरे नाम पे है, मेरे प्रूफ पे है, इतना अच्छा लग रहा है कि मैं बड़ा हो गया। मैं बड़ा हो गया, अब अपने नाम पे सिम निकलवा लिया, मतलब बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। तो भाई पहली चीज़ 18 प्लस वाले फ़ायदे। दिक्कत है मेरे यहाँ जो है VI की स्पीड नहीं होती, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ओकला पे कि क्या स्पीड आ रही है। हाँ जी तो चेक करते हैं कितना स्पीड आ रहा है। भाई साहब 1 MB भी नहीं जा रहा यार, चला जब रोक, एटलीस्ट 1 MB तो चाहिए मेरे को, एटलीस्ट 710 KBPS दिखा रहा है। भाई बस नाइट में अनलिमिटेड मिलता है, इसके लिए मैं ये सिम लिया हूँ कि नाइट में अनलिमिटेड यूज़ करूँगा, दैट्स इट। चलो थोड़ा जिम के साइड घूम के आते हैं, जिम भी अब कल से ज्वाइन कर लेंगे, कल से डेली रेगुलर बेसिस पे जाएंगे, कल तो सैटरडे मंडे से। चला गया भैया, टी शर्ट बेकार सी लग रही थी, बस घूमने जा रहे हैं तो चप्पल वप्पल में इसी जिम के साइड से घूम के आता रहे यार, काफी गंदी हो रखी है। सो फार सो वेरी गुड, बढ़िया हो गई, थोड़ा आगे भी मार देता हूँ, हो गया। ये जिम था, जिम से हो लिए, लेट्स गो घर चलते हैं। अंदर हवा काफ़ी ज़्यादा कम था, एयर प्रेशर, तो आगे 36 पीछे 42 करा लेते हैं। यहाँ पे जो है मच्छर बैठा है, मैंने मारा है, ये देखो डिट्टो, उसका कलर मेरे हाथ पे आ गया। ओहो भाई रात हो गई, अभी मैं वॉक करके आ रहा हूँ साहिद जी की दुकान पे, मैं चला गया था। और इस ब्लॉग को इस नोट पे ही एंड करता हूँ, यहाँ तक देख लो प्लीज, मेक श्योर लाइक करके जा रहा हूँ, बाय, हैशटैग पीस, आई नो यू लव मी, बाय, मिलते हैं कल सुबह।